हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चलिए हम लोग एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स। मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट में क्या था? लंबे पी प्लांट्स की ब्रीडिंग की गई जिनके पास वायलेट फ्लावर्स था, शॉर्ट पी प्लांट्स और उनके पास व्हाइट फ्लावर्स थे, यानी कि टॉल वायलेट फ्लावर्स की शॉर्ट व्हाइट फ्लावर्स के साथ ब्रीडिंग करवाई गई। प्रोजिनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, जितने भी बच्चे प्रोड्यूस हुए यानी अगली जनरेशन में बने, उन सभी के पास वायलेट फ्लावर्स थे। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, लेकिन आधे से उनमें शॉर्ट थे, यानी कि आधे लंबे थे और आधे शॉर्ट थे, लेकिन सभी के पास जो फ्लावर्स थे वो वायलेट थे। दिस सजेस्ट इज दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी। तो जो टॉल पेरेंट है यानी कि टॉल पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर्स, उनका जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है? चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या चीज हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो चीज देखिए, जो टॉल प्लांट है वो टॉल दो केस में हो सकता है, या तो दोनों टी कैपिटल होंगे या कम से कम एक टी तो कैपिटल होना ही पड़ेगा। और वायलेट फ्लावर्स यानी कि या तो कैपिटल डब्ल्यू दोनों है या फिर एक डब्ल्यू कैपिटल और एक डब्ल्यू स्मॉल होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कैपिटल टी का मतलब हम लोग टॉल से ले रहे हैं, स्मॉल टी का मतलब शॉर्ट से, डब्ल्यू कैपिटल वायलेट और स्मॉल डब्ल्यू वाइट। अब आप कहोगे कि वायलेट और फ्लावर का हमें कैसे पता चला कि कौन डोमिनेट है? वो हमें अपनी बुक की रीडिंग में पता चलता है। उन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें वायलेट डोमिनेटेड है वाइट के ऊपर। तो जेनेटिक मेकअप की हम लोग बात कर रहे थे, तो जेनेटिक मेकअप जो है वो इस तरीके का भी हो सकता है, या फिर दो प्रोबेबिलिटी और है, दोनों कैपिटल टी और ये वाला, या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी और दोनों डब्ल्यू कैपिटल। मतलब इन चार में से हमारा कोई एक आंसर आएगा। देखिए, जो ब्रीडिंग करवाएगी वो शॉर्ट के साथ करवाएगी, तो शॉर्ट मतलब दोनों टी स्मॉल होने चाहिए और व्हाइट फ्लावर्स थे सभी के, तो यानी कि दोनों के सभी के पास W भी स्मॉल आएगा। अब इनकी जो क्रॉस करके बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोजिनी प्रोड्यूस हुई है, वो क्या थे? सभी के पास कहता है वाइट फ्लावर्स थे, है ना? वाइट नहीं, वायलेट थे शायद, लेट मी चेक पर, वायलेट फ्लावर्स थे लेकिन हाइट अलग अलग थी। ओके, वायलेट का मतलब क्या हो गया है कि कैपिटल W तो आएगा ही आएगा एक, या हो सकता है दोनों ही कैपिटल W आ जाए, मान लो। दूसरी चीज उन्होंने हमें बताई कि आधे टॉल थे और आधे शॉर्ट थे, तो आधे टॉल और आधे शॉर्ट कब हो सकते हैं? जब दोनों ही टी कैपिटल हो जाए, एक टी कैपिटल और एक टी स्मॉल हो जाए, या फिर दोनों ही टी छोटे हो जाए। तो मतलब इस तरीके से पॉसिबिलिटीज आ रही है। अब देखिए, हमें पता है कि जब इनका क्रॉस होने वाला है तो एक टी तो स्मॉल जाएगा ही जाएगा, बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन आधे अगर टॉल है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि यहां से एक कैपिटल टी ने मूव किया है, और आधे शॉर्ट है तो इसका मतलब क्या है कि एक स्मॉल टी वाला भी इधर वाले से आया है। तो यानी कि जो टॉल वाला है उसके पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो यानी कि या तो ये वाला या फिर ये वाला, क्योंकि अगर आधे बच्चे शॉर्ट करने हैं तो टॉल वाले प्लांट से भी एक स्मॉल टी आएगा, तभी बच्चे की हाइट छोटी हो पाएगी। इसका मतलब क्या है? एक कैपिटल टी और एक स्मॉलर टी यहाँ पे मिलेंगे मिलेंगे। अब डब्ल्यू का केस है, सभी के पास कहता है वॉलेट फ्लावर है, यहाँ पे तो देखिए स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल डब्ल्यू तो आएगा, क्योंकि ये दूसरा पी प्लांट है या दूसरा पेरेंट है, तो अगर वायलेट है तो यानी कि कम से कम एक कैपिटल डब्ल्यू तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक शॉर्ट वायल डब्ल्यू है तो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैपिटल। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि दूसरा डब्ल्यू भी कैपिटल होना पड़ेगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही चला गया। समझे बात को, हर बार ये वाला पी प्लांट स्मॉल डब्ल्यू ही देने वाला है। टॉल वाला अगर दोनों बार कैपिटल डब्ल्यू देगा तभी सभी वॉलेट बन जाएंगे। अगर मान लो हम लोग ये वाला सीक्वेंस ले लें कि एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, लंबे वाला पी प्लांट भी डब्ल्यू स्मॉल दे सकता है, तो ये भी स्मॉल डब्ल्यू है और ये तो हमेशा स्मॉल डब्ल्यू ही रहेगा। तो फिर इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। लेकिन वाइट नहीं बनाना है, सारे के सारे वॉलेट होने चाहिए और वॉलेट के लिए एक कैपिटल डब्ल्यू तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला सीक्वेंस इज द राइट आंसर। और जब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर, आप लोग इस तरीके से क्रॉस करवा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या सही है और क्या नहीं है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वैसे डिस्कस कर लिए थे लेकिन प्रॉपर जो लाइनिंग है उसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेट ट्रेट इन द फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि जो ट्रेट विजिबल होना है वो सिर्फ डोमिनेट ही आप लोगों का हो पाता है, मतलब दूसरा जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो छिप जाता है। जैसे अभी बात की है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो कैपिटल टी तो हमें दिख जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा, लेकिन जो स्मॉल टी है रहेगा तो वो जीनोटाइप के तो रहेगा ही, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब उसके साथ कैपिटल टी होगा। The alleles that are suppressed are called as recessive trait. एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इन दोनों को सेपरेटली वी कॉल्ड एलील। तो एलील जो छुप जाता है वो अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाता, उसे रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। वाइल द एलील, लेकिन जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है ट्रेट के फॉर्म में, उसे हम लोग डोमिनेट ट्रेट बोलते हैं। डोरमेंट नहीं, डोमिनेट ट्रेट है। तो ये चीज है। उसके बाद लॉ ऑफ सिग्रेशन। द लॉ ऑफ सिग्रेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटरी फैक्टर सेग्रेट सो दैट ऑफस्प्रिंग एक्वायर वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट्स। तो जो दो कॉपीज बनी है जीन्स की वो अलग हो जाती है ताकि ऑफस्प्रिंग के पास एक ही जीन जाए हर पेरेंट्स से। जैसे आइस का कलर लगा लो, फादर का ब्लैक है बीबी और मदर का ब्लू लगा लो। तो जब गैमेट बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से सिर्फ एक ही जो है वो बी जाएगा और इधर से भी सिर्फ एक ही बी जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सिग्रेशन। एक ही कॉपी जाएगी एक पेरेंट से, मतलब आगे बच्चे के पास ही दोनों पहुंच गए। लेकिन जब बच्चे का गैमेट बनेगा तो उसमें या तो कैपिटल बी होगा या फिर स्मॉल बी होगा, दोनों नहीं जा सकते आगे नेक्स्ट जनरेशन में। एक आधा कहां से आएगा, आधा पार्टनर दूसरे से आएगा। इन अदर वर्ड्स एलील्स, एलील मतलब इनको लगा लो सिंगल सिंगल को, पेयर्स सेग्रेट, ये अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट बनता है। वही बात हो गई, बच्चे के पास ये है लेकिन जब बच्चे का गैमेट बना तो उसमें सिर्फ या तो ये होगा फादर साइड वाला या फिर मदर साइड वाला होगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ही री यूनाइट रैंडमली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के दौरान ही यूनाइट हो जाते हैं, मतलब जैसे मेल गैमेट है तो फीमेल गैमेट के साथ होएगा तो उससे यूनाइट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, दोबारा नंबरिंग रिस्टोर हो जाएंगे। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट स्टेट्स दैट अ पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एक ट्रेट पेयर का, ट्रेट का एक पेयर अपने आप को अलग कर लेता है दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली। जैसे ब्लू आइज का कलर हो गया, सपोज कर लो अब मैं हेयर के स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ एच, तो जब ये भी अलग होंगे तो ये भी अलग हो गया, यहाँ से एच अलग होगा तो एच अलग हो गया, तो ये मतलब अलग अलग सेपरेशन में जाएंगे
ये नहीं है कि बी गया है तो उसके साथ एच ए वाला जाएगा, इसके साथ एच बंधा हुआ है, नो, ये अपने अलग है, ये भी अपना अलग मूव कर रहा है. एज द इंडिविजुअल हेरिडिटी फैक्टर्स एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली डिफरेंट ट्रेड्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अकर टुगेदर. इसीलिए अलग अलग ट्रेड्स के पास अपॉर्चुनिटी बराबर की होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. ये वही बात है जो हम लोगों ने डाई हाइब्रिड में किया था, राउंड विद ग्रीन शीड और येलो विद रिंकल शीड, आई थिंक ये चीज थी. तो राउंड वाले रिंकल के साथ भी आ गए थे और येलो वाले ग्रीन के साथ भी आ गए थे. तो ये नए कॉम्बिनेशन आपको तभी मिल सकते हैं ना, अगर जो ट्रेड्स हैं, जो पेयर हैं, वो अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, और इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं. आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. थैंक यू.